साथियों नमस्कार। आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं और आप बहुत ही प्यार हमारे चैनल को दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले दिनों से मैं देख रहा हूँ कि एक कमेंट काफ़ी कॉमन है और वो है फूल पाछा दिखाने की शिकायत। आजकल क्या हो रहा है, पाचुरेशन टाइम है और गाय भैंस जो है वो बच्चा दे रही है। और इस समय क्या होता है, जब गाय भैंस बच्चा देती है तो बच्चा देने के बाद काफ़ी समस्याएँ होती है फूल पाछा दिखाने की, और हमारे पशुपालक भाई उससे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो काफ़ी कमेंट आ रहे थे तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो ही बना दिया जाए, अलग अलग सबको बताएं, इससे अच्छा है। तो देखिए हमें करना क्या है, अगर फूल पाछा दिखाने की शिकायत पहले कभी नहीं थी, जैसे हमारे एक दीपक भाई ने कमेंट किया था कि पहले कभी फूल पाछा की शिकायत नहीं थी, शरीर बाहर नहीं निकल रहा था, लेकिन मेरी भैंस ने जो ये बच्चा दिया, बच्चा देने के बाद उसका शरीर बाहर आने लग गया। तो देखिए ये जो बच्चा देने के बाद जो शरीर आता है, इसके पीछे वैसे तो कई कारण होते हैं। जब भी डिलीवरी होती है उस समय मान लीजिए कोई छोटी मोटी भी परेशानी हुई है, या बच्चेदानी में थोड़ा बहुत भी डिस्चार्ज या कोई मलबा, जर का टुकड़ा, इन्फेक्शन रह जाता है तो वो तकलीफ कर देता है। तो अगर ऐसा कोई इन्फेक्शन है तो हमें उसको भी ख़त्म करना पड़ेगा। इसके अलावा जो ही हमारी गाय में इस बच्चा देती है, हम उसे गर्म चीज़ें देते हैं, गर्म आहार देते हैं कि भाई ये जहर गिरा दे और सभी समस्याएं सफाई हो जाए, इसकी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाए। इसके लिए हम गर्म तासीर की चीज़ें देते हैं, गुड़ देते हैं, अजवाइन, जीरा, हल्दी, कई ऐसी चीज़ें देते हैं, बाजरा देते हैं। तो जब गर्म तासीर की चीज़ें कंटिन्यूसली ज़्यादा दी जाती है तो भी पशु को गर्मी हो सकती है और इस गर्मी की वजह से फूल पाछा दिखाने की शिकायत हो सकती है। तो ये कुछ कारण है, विटामिन्स और कैल्शियम की कमी हो सकती है, फॉस्फोरस की कमी हो सकती है, कई ऐसे छोटे छोटे मिनरल्स हैं उनकी भी कमी हो सकती है। तो पहला काम तो आपको ये करना है कि अगर फूल पाछा दिखाने की शिकायत हो रही है तो पहले आप नोट करें कि बच्चेदानी में से डिस्चार्ज आ रहा है क्या, और वो जो डिस्चार्ज आ रहा है कहीं पस जैसा तो नहीं आ रहा। अगर पस जैसा डिस्चार्ज आ रहा है तो पहले हमें नज़दीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करके उसका ट्रीटमेंट करना होगा, यानी जो पस आ रही है उसका इलाज करना होगा। अगर हम देसी इलाज करते हैं तो देसी इलाज में पस का इलाज होता है घी को हल्दी के साथ दिया जाए, घी 100 ग्राम रोज और 20 ग्राम हल्दी, ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा हल्दी गर्मी भी कर सकती है। तो 100 ग्राम देसी घी और 20 ग्राम हल्दी आप अगर 100 ग्राम ही मिनरल मिक्सर के साथ दें, मिनरल मिक्सर किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें और इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना करके अगर आप देते हैं तो श्योरली ये बच्चेदानी वाली जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन कई बार बच्चेदानी में कोई समस्या नहीं रहती, उसके बावजूद भी फूल पाछा दिखाने की शिकायत रहती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें आंवले लेके आने हैं, यानी कुछ ठंड की चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जिसमें पहली चीज़ है आंवले, सूखे हुए आंवले आपको लाने हैं 1 किलो। 1 किलो ही आपको हरी वाली सौंफ लेके आनी है, हरी वाली सौंफ सब जगह मिल जाएगी, और 1/2 किलो आपको लेके आने हैं मेहंदी के पत्ते। ये तीनों चीज़ें हैं वो ज़्यादा नुकसान भी नहीं करेगी, और अगर फूल पाछे की ज़्यादा शिकायत है उसी कंडीशन में देना है, अदरवाइज़ क्या है कि बच्चा देने के बाद हम कभी भी ठंड की चीज़ें नहीं देते, हमेशा गर्म तासीर के आहार दिया जाता है ताकि पशु पीक पे पहुँचे। लेकिन ये हमने देखा है कि मेहंदी, सौंफ और आंवला ये पशु को पीक पे पहुँचने से नहीं रोकते हैं, यानी दूध में कोई डिस्टर्बेंस नहीं देते हैं, और इन तीनों चीज़ों को देते हैं हम गुलकंद के साथ। 1 किलो ही हमें गुलकंद लेके आना है, और फिर इन चीज़ों को जो हमने तैयार किया है ये पूरे 15 दिन की खुराक है, यानी 1 किलो गुलकंद, 1 किलो जितनी भी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई है, 1 किलो गुलकंद उसमें हो गया, 1/2 किलो मेहंदी हो गया, और 1 किलो हमने लिया था सौंफ, और 1 किलो हमने लिए थे आंवले। इन सभी को हमें 15 दिन में देना है, यानी थोड़ा थोड़ा करके देना है। अगर आंवले आप कम करते हैं तो चल जाएगा, आंवले अगर आप 1/2 किलो भी लेते हैं मेहंदी की तरह, मेहंदी के पत्ते आते हैं, वो पत्ते हमें लेके आ जाने हैं, और उन्हीं पत्तों को घर पे एकदम से मिक्सअप करके, इन चारों चीज़ों को हम मिक्सअप करके आराम से दे सकते हैं पर डे, रोज़ देनी है। और ये जो मैंने खुराक बताई है वो पूरे 15 दिन की है, इसे 15 हिस्सों में बांट करके और आप 15 दिन तक कंटिन्यूसली दें तो बहुत ही शानदार तरीके से ये जो फूल पाछा वाली शिकायत है वो मिट जाएगी और किसी प्रकार का नेगेटिव इफेक्ट भी नहीं होगा। इसके अलावा आपको और भी कई चीज़ों का ध्यान रखना है,
और वो चीज़ें कौन सी हैं? वो चीज़ें हैं कि गर्म तासीर की चीज़ें कम, यानी जैसे बाजराम देते हैं, गुड़ देते हैं, अजवाइन देते हैं, तो अगर फूल पाचा की शिकायत है तो बाजरा, गुड़, अजवाइन, ये चीज़ें जो है वो कम दें। अगर हम ज़्यादा देंगे तो नुकसान हो सकता है।